संघर्ष ही पूर्ण नहीं है, संघर्ष के साथ साथ समाज की रचना करना भी जरूरी है, जिससे कि समाज का जो वंचित तबका है वो अपने अस्थाई विकास और अस्थाई परिवर्तन के लिए अपने आप को मजबूत बना सके। मुश्किलें कितनी भी आए, संघर्ष हमें तो करना है, हर जरूरतमंदों को उसकी मंजिल तक पहुंचाना है। अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? जंगल की जड़ी बूटी यूज करते थे और गड्ढा नाले का पानी पीते थे और ऐसे बहुत साल से हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। हम लोग कोई रास्ता नहीं मिला, इसके वजह से हम लोग जानवर रूपी के माफी हम लोग जिंदगी बिताना पड़ा। कुछ नहीं, हमने मरम नहीं जानते थे, तब आए डेगा डेगी भैया लोग आ दीदी लोग आने लगे तो हम लोग जुट गए। 1995 में प्रगति में हम जुट गए हैं। 2003 में प्रगति से जुड़े। 2012 में प्रगति विकास समिति लोग संपर्क हुए, लोग खुद यहाँ पर आए। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। निकले हैं मैदान में हम जहां हथेली पर लेकर, अब देखो दम लेंगे हम जाके अपनी मंजिल पर। पत्थरों से हंस के खेलना इतनी तो हमें हिम्मत है, मोड़े कलाई मौत की इतनी
तो हम में ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है तैयार है। अब जो भी हो शोला बनके पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनके पर्वत पर है छाना। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। यही वो कक्ष है जब 1985 के जनवरी महीने में मैं अपने कुछ मित्रों के साथ प्रगति के ड्रीम को शेयर किया था और प्रगति के काम की शुरुआत इसी कक्ष से हुई थी। समय बहुत बड़ा सपना नहीं था, एक छोटा सा सपना था प्रगति का कि समाज के जो वंचित वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मुसहर लोग हैं, उनकी जो परिस्थितियां हैं उनमें कैसे बदलाव लाया जाए, महिलाओं की जो परिस्थितियां हैं उनमें कैसे बदलाव लाया जाए, बच्चों की जो स्थितियां हैं गरीब बच्चों की उनमें कैसे बदलाव लाया जाए, वो ड्रीम के साथ काम शुरू हुआ था। जब शुरू में आया था तो हम ना समझते थे कि इस तरह से प्रगति आगे की ओर बढ़ेगा, तो उसमें हमारी एक बच्ची भी जो कि हम स्कूल में शिक्षा नहीं दे सके, प्रगति में ही आकर के वो अपना शिक्षा ग्रहण की। समाज की उस समय जो सबसे अहम और बुनियादी समस्या थी, एक तो था कि उनके अंदर अंधविश्वास, अल्कोहलिज्म, शराबखोरी और डिपेंडेंसी किसानों के ऊपर, और बहुत गंदे माहौल में रहते थे, साफ सफाई कुछ नहीं थी, कुछ सोचते नहीं थे अपने बारे में, शराब में डूबे रहते थे, बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, और उनके दिमाग में एक बात बैठाई गई थी कि उनकी जो स्थिति है वो ईश्वर की देन है, इसलिए उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता है। प्रगति ग्रामीण विकास समिति की स्थापना के बाद हम चार पांच युवा नौजवान साथी उनके रचनात्मक विकास के लिए काम को प्रारंभ किया और शुरुआत हम लोगों ने शिक्षा से की, तो
क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जिसमें हम समाज के सभी तबकों को एक सही दिशा दे सकते थे और उनके अंदर जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, जो जिसके कारण वो अपने आप को पहचान नहीं पाते थे और सोच नहीं पाते थे, उन बुराइयों के खिलाफ एक रचनात्मक पहल शुरू हुआ शिक्षा के माध्यम से। हम लोग के विकास दिए कौन? तो प्रदीप सर, कुशवा दीदी अभी हैं जिंदा, वह हम लोग के लायकन कोई नहीं पढ़ने लिखने वाला, तो वही पढ़ाइए, पढ़ाते पढ़ाते कन बगीचा में तखन करने तखन करने तो कैसे कैसे करके तो जुगाड़ करके तो दलान में पढ़ाई हो लग रहा आ सब यहाँ के लगाओ कि 15 सब हम टोला सेवक में सब लैकन सब अपना अपना काम धंधा सब कर रहा है। हम बचपन से कुछ बनना चाहते थे और पढ़ने के यहाँ कोई सुविधा नहीं था, प्रगति के कारण सब बच्चा लोग आगे बढ़ा। जब समिति द्वारा मेरा आराम हुआ था पढ़ाई, तो मैं बहुत छोटी थी, छोटे छोटे बच्चे को झोपड़ी बनाकर स्कूल बनाकर वो लोग पढ़ाई कर रहे थे। मेरे गांव में साथ साथ अभी 10-15 लड़की पढ़ाई कर रही है, कोई इंटर, कोई मैट्रिक, कोई 8, 9, 1। जनता बाहर से आके रही हुई है, अभी भी सारा भूखे मर जाए, क्या की सबके घर में 3 फीट पानी होगा, अभी तक प्रशासन का कोई भी आदमी किसी भी तरह का कोई मदद लेके नहीं आया है। 200 रुपए किलो राघवपुर से प्लास्टिक लाए, यहाँ हमको कोई व्यवस्था नहीं हुआ, 10 रोज से हम यहाँ बैठे। बहुत दिक्कत, पानी बाढ़ आया है, कोई देखने वाला नहीं है, कुछ दे रहा नहीं है। नदी नहीं था सर, नदी अभी कुशाह में हुआ है, मैं कुशाह यही दुनियादी होकर के बाहर सर। और ये गरीबों को दुख को कोई बुझने वाला नहीं है, घर भस गया, मकान टूट गया, जानवर जितना था मर गया, मुर्गी मर गया, बकरी मर गया, जीव जानवर सब मर गया, कुछ नहीं बचा। आपदा एक ऐसा है कि वो कभी कभी आता है, और जब आता है तो एक सामाजिक संगठन होने के नाते संस्था की एक भूमिका होती है। तो 3-4 अवसर प्रगति को मिले और उन्होंने, प्रगति ने 2007 में 2008 में नॉर्थ बिहार और कोसी प्रमंडल में आपदा के दौरान राहत पुनर्वास के काम को किया है लंबे समय तक, और वो आज भी वो काम चल रहा है। जब कोई आता है तो अपना दुखड़ा रोते हैं, लेकिन उस दुखड़ा को ताकत बनाकर उसका हक पाने के लिए कदम नहीं बढ़ाते हैं, यही हमारी बेबसी है, हमारी कमजोरी है। हम कमजोरी को ताकत बनाएं, अपने हक के लिए कदम को आगे बढ़ाएं, और जब एक साथ इस गांव के लोग कदम बढ़ाएंगे तो चाहे मुखिया हो, चाहे डीलर हो, चाहे टीचर हो, चाहे सरकार हो, उसको झुकना पड़ेगा। प्रारंभ से ही महिला अधिकार के सवाल को लेकर प्रगति ने काम किया और गांव में महिला नेतृत्व को खड़ा करने का काम किया। उसके लिए कई गतिविधियां चलाई, महिलाओं का संगठन बनाना, महिला समूह का निर्माण करना, महिला बचत कोष का निर्माण करना। इसके साथ साथ गांव के स्तर पर जितना भी आर्थिक गतिविधियां हैं वो महिलाओं के माध्यम से संचालित हों, जिससे कि अर्थसत्ता पर उनका नियंत्रण हो, ये काम किया गया। और उसका परिणाम ये हुआ कि अगर हम 25 वर्षों का सफरनामा देखें
तो 25 वर्ष पहले जब हम गांव में मीटिंग करते थे तो पुरुष लोग बैठते थे, महिलाएं घरों में रहती थी या अपने झोपड़ी से ताकती थी, झांकती थी और मीटिंग में कभी शामिल नहीं होती थी। आज परिस्थिति ठीक इसके उलट है। आज जब गांव में हम मीटिंग करते हैं तो सिर्फ महिलाएं नज़र आती हैं, 5-10% पुरुष लोग दिखते हैं, लेकिन आज महिलाएं ज़्यादा दिखती हैं। हो जा तैयार बहन, हो जा तैयार, आगल समैया जागे हो जा तैयार बहन, हो जा तैयार, आगल समैया जागे के। प्रवासी में फेन जुड़नी समूह में तो कुछ भैया बहनी भीरी सुनी कुछ अथी भइल तो माने जमा कर लगनी जा, इकट्ठा कर लगनी जा, 10-10 रुपया जमा कर के आ कुछ है हमनी के आगे में है कुछ बढ़े लगनी जा, तनी मनी 10 गो समूह बनौनी जा, आ 10 गो समूह बना के 10 गो बहन दीदी लोग आ अथी कर ले जा। महिला एकता मंच जिंदाबाद, महिला एकता मंच जिंदाबाद, हम अपना ही अधिकार मांगते, कमाने वाला, लूटने वाला नया जमाना, महिलाओं का जमाना। महिला एकता मंच जिंदाबाद। बेटियों को पढ़ाइए, बेटी को आगे बढ़ाइए, बेटी सबको स्कूल भेजिए। हो जा तैयार बहन, हो जा तैयार, आगर समैया जागे के। बाल अधिकार जो हमारा बाल शिक्षण केंद्र है, अनौपचारिक शिक्षा केंद्र है, जगजगी केंद्र है, तो वो जो तमाम गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए चलाई गई, उसमें एक प्रमुख एजेंडा रहता था कि सिर्फ हम एकेडमिक एक्टिविटी नहीं करके उनके जो बच्चों के अधिकार हैं, चाहे वो बाल श्रम के रूप में, बाल मजदूरी के रूप में लोग इस्तेमाल करते रहे, उनके खिलाफ भी लोगों में एक बड़ी जागरूकता पैदा करके और उनको ये समझ बनाए कि बच्चों का क्या अधिकार है, बच्चों का जीवन कैसा होना चाहिए, बच्चों के जीवन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे उनको वंचित रखा गया है। तो वैसे तमाम गतिविधियां हम लोग जोड़ कर करते हैं और बाल अधिकार, बाल श्रम के खिलाफ अभियान भी चलाते हैं, गांव में संगठन बनाते हैं, अगर कोई फोर्सली काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध अभियान चलाया जाता है, उसको मुक्त कराया जाता है। कैसे रंगे तो चुमन, कैसे आलुमा, हर रंगे तो लोसी, श्याम रंगे रा, दूर रंगे तो चुमन, लागे आलुमा, जय जय लोसी, जय जय रा, जय लो चुमन, जय आलुमा। झारखंड बनने के बाद बिहार में वन क्षेत्र बहुत कम रह गया है और सरकारी आंकड़ों के हिसाब से बिहार में आदिवासी और वन आधारित जीवन जीने वालों की जो आबादी है वो मात्र 2%। तो हमारे जो कार्य क्षेत्र के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर दलित आदिवासी हैं जो वन क्षेत्र में जीवन बसर कर रहे हैं, उनको वनाधिकार कानून के तहत जो भूमि पर अधिकार मिलना चाहिए, जो पट्टा मिलना चाहिए, वो प्राप्त नहीं है। एक तो है कि जनादेश के माध्यम से भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया गया वनाधिकार कानून लागू करने के लिए, और कानून बनने के बाद बिहार सरकार के ऊपर एक बड़ा दबाव बनाया गया कि वो जहाँ जहाँ पर ऐसे आदिवासी हैं, दलित हैं, उनके ऊपर उनका जो वनाधिकार है वो उनको प्राप्त हो। Thank you.
शुरुआती दौर में जब जिन लोगों के बीच हम काम करते थे वो डेली वेज लेबर हैं और उनको मजदूरी जो है पैसे के रूप में कभी नहीं मिलती थी, वो अनाज के रूप में मिलती थी। तो आसिन कार्तिक जो समय होता है क्राइसिस, उस समय खेती में काम नहीं होता है, उस समय उनके घरों में भूखमरी की स्थिति हो जाती, तो वो किसान से जाते थे जिनके यहाँ काम करते थे कर्जा लेने, तो गाली गलौज तिरका बरका के और डेढ़िया और अरहिया पर उन लोग कर्जा देते थे और नहीं असूलने पर उनको बंधुआ बना लेते थे, मारते थे, पीटते थे, महिलाओं का शारीरिक शोषण करते थे, गाली गलौज करते थे। तब उनको लगा कि अगर ये परिस्थिति है तो आखिर इससे कैसे मुक्ति दिलाए, तो लोगों में चर्चा शुरू हुई कि कैसे इसको किया जाए, क्या इसका विकल्प है, हमारे पास अनाज रहता है जिस पीरियड में, क्यों नहीं कुछ हिस्सा उसमें से हम बचा लें जिससे कि हम भविष्य में हमारा काम आ सके। एक एक पसेरी लोगों ने अनाज जमा किया और उसको फिर स्टोर किया मिट्टी का जो कोठी बना करके, और तब उसी अनाज को वो आसिन कार्तिक में एक दूसरे को जरूरत पर बांटने लगे। एक गांव में जब सक्सेस हुआ तब हम लोगों ने कहीं से कुछ और संसाधन इकट्ठा किया और धीरे धीरे कुछ गांव में कमेटी बना करके लोगों को अनाज देना शुरू किया और आज शान से चला रहे हैं और अभी 150 गाँव में अनाज बैंक चल रहा है। वाटर एड के सहयोग से वाटर एंड सैनिटेशन कैंपेन चलाया जा रहा है, क्योंकि वह एरिया डीप एरिया है और मुख्यधारा से कटा हुआ है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहां के लोगों को नागरिकता तक प्राप्त नहीं है, तो उस इलाके में लोग टंकी का पानी पीते थे, टैंकर से जाता था, पानी का कोई बहुत विशेष व्यवस्था नहीं था। तो प्रगति ने उस इलाके में वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू किया। वाटर सिक्योरिटी के तहत जल छाजन, जल सुरक्षा, जल मीनार का निर्माण करना, चापाकल का मरम्मती और रख रखाव के लिए गांव स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता समिति का गठन करना, समुदाय को प्रशिक्षण देना और विशेष तौर पर इस अभियान के तहत स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को कैसे हाइजीन के बारे में जागरूक किया जाए, स्कूल सैनिटरी सैनिटेशन प्रोग्राम चलाया गया। से क्या हुआ कि कई लोगों के जीवन में, कई परिवारों में एक तो इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा बदला, बच्चों के पढ़ाई का खर्चा, कपड़ा लत्ता, जरूरत की चीज़ें आने लगी, कई लोगों का जो है बीमारी में परिवार बीमार पड़ गया, पैसा नहीं है, तो उसमें ये बहुत महत्व भूमिका निभा महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और इससे क्या हुआ कि उनका पूरा जीवन में ये समझ बना कि अगर हम इस तरह के छोटे छोटे आर्थिक स्रोत पैदा करेंगे रोजगार के तो हमारा जीवन बदलेगा। को लगा कि अगर भूमि का प्रश्न ये लोग नहीं उठाएंगे तब तक ये संगठित नहीं होंगे, क्योंकि भूमि की जो भूख है अगर ये अंदर पैदा हो जाती है तो ये संगठित भी होंगे और संघर्ष के लिए भी तैयार होंगे और समाज में बराबरी का एक दर्जा इनको इसके साथ मिलेगा। इसलिए
प्रगति ने एक बड़ा प्लेटफॉर्म जिसको एक जन संगठन, क्योंकि क्या है कि हम काम करेंगे, संघर्ष करेंगे और राजनीतिक परिस्थितियां बदलेंगी तो कोई वोट ले लेगा उनका, इसलिए जन संगठन का निर्माण हम लोगों ने किया जिसका नाम रखा एकता परिषद, जिसके बैनर के तले गांव के लोग एकता परिषद को अपना संगठन मान करके और इस बैनर के तले अपने भूमि अधिकार के आवाज़ को बुलंद कर सके। वादा नहीं है, सोच समझकर बातचीत करने के बाद और ये सारे 10 सूत्री कार्यक्रम प्रधानमंत्री की अनुमति के बाद ही अधिकार में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है आजीविका का अधिकार। आजीविका का आश्रय सिर्फ भोजन से नहीं होता है, आजीविका का अधिकार समाज में एक नागरिक के रूप में जो मूलभूत संवैधानिक अधिकार है जीवन जीने का, उसके संबंधित जो भी संसाधन है उन पर उनका अधिकार हो और उसको ले करके वो काम करें। तो आजीविका के अधिकार में जो स्थानीय स्तर पर जो संसाधन है वह है जल, जंगल, जमीन, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग। तो ऐसे जो स्थानीय संसाधनों पर आधारित जो आजीविका है उस पर समुदाय का अधिकार हो, विशेष तौर पर महिलाओं का कैसे अधिकार हो, इसके लिए हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। प्रगति का जो विजन है वो है समाज में समता, न्याय और बंधुता पर आधारित एक नए समाज की रचना, और जिसके लिए जो समाज का वंचित तबका है उसको कैसे समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, उसके लिए प्रगति पिछले 25 वर्षों से लगातार काम कर रही है। प्रगति की शुरुआत 1985 में 6 गांव से हुई थी, आज प्रगति 1460 गांव में है। इसका मतलब प्रगति अकेले नहीं है, प्रगति का एक बड़ा परिवार है और हजारों हाथ प्रगति के साथ जुड़े हैं। कठिनाई के जो बादल हैं वो पल भर में छट जाएंगे, तू बढ़ता चल तेरी राहों में जो पर्वत हो हट जाएंगे। आएगा
फिर वक्त सुनहरा साथी पथ पे बढ़ता चल हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब हम होंगे कामयाब एक दिन हो मन में है विश्वास पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब एक दिन अपने सपनों को हकीकत की जमी देना इन पथराई आंखों को थोड़ी सी नमी देना देना कर्म को धन से अधिक प्रधानता देना कर्म को धन से अधिक प्रधानता सच्चे काम से ही आती है समानता।